क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा ब्राह्मण? मैं रत्नाकर हूं। मैं नारद हूं रत्नाकर, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूं। क्या तुम निर्भय हो? क्या मतलब है तुम्हारा? न मुझे प्राणों का भय है, न सफलता का, न कल का, न कलंक का। और कोई भय है जो तुम जानते हो? अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? हां, मैं निर्भय हूं। मुझे न प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। तो फिर यह वन में छिपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? नहीं। प्रजा से डरते हो? नहीं। पाप से डरते हो? नहीं। तो फिर यहां छिपकर क्यों रहते हो? उत्तर मैं देता हूं। पाप करते हो और पाप से डरते हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, देवताओं के कवि। तुम मुझे फुसला नहीं सकते। न मैं पाप से डरता हूं, न पुण्य से, न देवताओं से, न दानवों से, न राजा से, न राज्य से, न दंड से, न विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसलिए यहां बीहड़ों में रहता हूं। यह प्रतिशोध है मेरा। क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। नारद, इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। वो पाप नहीं था? मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की। वो पाप नहीं था? युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या क्या की मैंने? मैं पापी हो गया, राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया मैं। क्या वो पाप था? दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। मैं पापी नहीं हूं। कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ है या नहीं है। क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ है? हाँ, वो क्यों नहीं साथ होंगे? मैं जो ये सब करता हूं उनके सुख के लिए तो करता हूं। तो जो तुम्हारे साथ है उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है, और क्या वो सब इस पाप में तुम्हारे साथ हैं, इस पाप के भागीदार हैं? सरदार, ये ब्राह्मण बहुत बोलता है, इसे मार दें। नहीं, इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, परंतु पहले इसके प्रश्नों के उत्तर तो दे दूं। मेरे आने तक इसे बांध कर रखो,
कड़ी नजर रखना इस पर। रत्नाकर बेटा, आज बहुत जल्दी आ गए तुम, कोई मोटा आसानी हाथ लगाए क्या? क्या बात है स्वामी, आज आप प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे। मैं जो कर रहा हूं क्या वो पाप है? ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है आज, तूने ज्यादा पी ली है क्या? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? ये तू क्या पूछ रहा है? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार होने की नहीं। पिता, आप? बेटा, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूं? शुभ हो स्वामी। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़ जा चुके हैं रत्नाकर। क्षमा देवर्षि, क्षमा, अब तो मैं भी अकेला ही हूं। नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम, तुम्हारा पथ शुभ हो। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमप्रियातो यत्रुपातो ध्रुवोयं सकलं कुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। इस कहानी के इस डाकू ने अपने संसार को छोड़ फिर एक नए संसार की रचना की, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। इतिहास कहता है कि अतीत का डाकू रत्नाकर ही भविष्य में राम कथा का रचयिता वाल्मीकि बना। ठीक कहा था देवर्षि नारद ने, असीम संभावनाओं का स्वामी मनुष्य काश खुद को पहचान पाता।